बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर फिर से सवाल उठाए हैं। सपा सांसद ने राम मंदिर को गैर कानूनी तो बताया ही, साथ ही मस्जिद को शहीद बता दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अयोध्या में हुई योगी कैबिनेट की बैठक पर बात करते हुए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बाबरी मस्जिद को शहीद बता दिया। साथ ही बोले, अयोध्या में बन रहा राम मंदिर गैर कानूनी है। देखिए, अव्वल तो ये कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इसे बिल्कुल इलीगल गैर कानूनी तरीके से। वो मुसलमानों की मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, इबादतगाह थी, लेकिन इसके बावजूद कानून हमारे पास मौजूद है, संविधान मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और कमाल ये है कि अब मस्जिद को शहीद करना ही पर ही उनका यानी वो काफ़ी नहीं हुआ उनका काम, उन्होंने उसको उस पर मंदिर और बनवा दिया। और ये मंदिर बहरहाल गैर कानूनी है जो कुछ बना है। इसके साथ ही सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर मनमानी का आरोप लगाया। बोले, इन लोगों के हाथों में सत्ता है, सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर अपने मन की कर रहे हैं। देश में इंसानियत और कानून के खिलाफ बीजेपी ने काम किया। बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर था और ये अब ये चुके उनके हाथ में गवर्नमेंट है, बीजेपी के हाथ में गवर्नमेंट है, तो ये तो उनकी पॉलिसी है। वो लोग जो भी करना चाह रहे हैं वो अपनी ताकत के बलबूते पर वो कर रहे हैं। तो इस पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये मुल्क के अंदर इंसानियत के खिलाफ जो काम हुआ है, जो कानून के भी खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, और दुनिया की रवादारी के भी खिलाफ है। सारी चीज़ों के इबादत गाहें, मुख्तलिफ ख्याल के मुख्तलिफ धर्मों के लोग इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी अपनी जो भी इबादत करते हैं तो अपने अपने यही एक उनकी एक जगह होती है अलहदा बनी हुई। किसी का मंदिर है, किसी का मस्जिद है, किसी की चर्च है, किसी का कुछ है, इस तरीके से। आगे सपा सांसद ने राम मंदिर पर दिए कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। बोले, बीजेपी सत्ता में है और कोर्ट का फैसला भी उनके हक में हुआ, क्योंकि कोर्ट भी बीजेपी वालों की है। तो उसको एक मस्जिद को शहीद करके और फिर उस जगह मंदिर बनवाना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है और इंसानियत के भी खिलाफ है। संसद जी, तो कोर्ट का फैसला था इसमें, तो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट भी उनकी है, हमारी थोड़ी एक कोर्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और दिवाली पर सपा सांसद का ये बयान जरूरी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर सपा इस बार सभी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है, जिसके लिए अखिलेश ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन सपा सांसद का ये बयान कहीं सपा का खेल ना बिगाड़ दे, क्योंकि इस बयान पर बीजेपी सपा पर पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली।